अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, मैंने इसके ऊपर पहले से ही निशान लगा लिए थे। बेल बॉटम के ब्लैक कपड़ा है ये, बड़े चौक से निशान लगाने पड़ते हैं। यहाँ से घुटना मैंने 6 इंच का रखा है, वहाँ से 5/6 फुल का फुल लिया हुआ है, यहाँ से आधा इंच डाउन किया है, नेफे के लिए 2 इंच लिया है, 2 इंच के अलावा यहाँ पे आसन जो है वो 14 इंच का लिया है, और यहाँ से भी 1/2 इंच का लेते हुए इस तरह यहाँ से ज्वाइन किया है, और इसके नीचे अलग से पट्टी लगेगी क्योंकि ये रेब होता है, फिर इसके कॉर्नर निकलते हैं, तो इसलिए व्यूअर्स इसके ऊपर निशान मैंने लगा दिए। तो 5/6 का मेजरमेंट करना बता देती हूँ कि कितना है, और इसकी फुल लेंथ जो है व्यूअर्स वो 41 इंचेस है, तो ये पूरा 5/6 जो आ रहा है 16.5 इंचेस का आ रहा है, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ये थोड़ा सा 16 से भी ये 15 तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन एग्जैक्ट इसके ऊपर ही कटिंग होगा, पर ये चौड़ा निशान है, इसके यहाँ पर इस तरह से कटिंग होगी साथ में, और बैक इससे 1.5 इंच बड़ा होगा। जो हेल्दी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करें और अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट के साथ करें, क्योंकि ये नॉर्मल उसका है, तो इस वजह से ये नॉर्मल इसके मेजरमेंट है। यहाँ से और यहाँ तक थाई का भी निशान बता देती हूँ, यहाँ से ये 12 साढ़े 12 इंचेस है, तैयार होने के बाद ये 12 इंच रह जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, इस तरह से रिवर्स, और इस तरह कर्व स्केल के साथ ये भी, बस इसके साथ इस तरह से राउंड शेप मैं इसे देती हूँ, क्योंकि इसे बहुत अच्छा राउंड आता है इसका। और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से भी सारी मैं इसकी बस इसकी मैं यहाँ से सारी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर कटिंग करेंगे तो इसके कॉर्नर निकलेंगे नहीं। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग करके आप लोगों को बताती हूँ। ये भी बस ज्यादा नॉर्मल उसमें हम नहीं लेते, यहाँ पे 1.5 इंच लिया है, यहाँ पे 1/2 इंच ज्यादा लिया है, यानी 1 इंच तक लिया है, और यहाँ से थोड़ा सा गैप दिया है, बाकी सारा इक्वल बराबर ही कटेगा, क्योंकि नॉर्मल साइज है, ये ज्यादा हैवी नहीं है, तो इस वजह से इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करूंगी, और यहाँ से भी ज्यादा बढ़ाकर नहीं रखा, बाकी ये सेम कटिंग होगी। अब ये ऊपर नेफे की जगह से मैं स्केप कटिंग करूंगी, और रिवर्स यहाँ पे लाके ऊपर की तरफ करके तो इसकी सेम कटिंग करेंगे, क्योंकि मार्जिन सब इसी में है। बस इसके फ्रंट बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।